दोस्तों, अगर आपको अपना पुराना कोई भी सामान बेचना हो तो आपके मन में क्या आता है कि ऑनलाइन बेचे कि ऑफलाइन बेचे? ऑफलाइन ऐसे ही हम मोल भाव करके बेच सकते हैं और उसमें झमेला हो सकता है, मतलब किससे बेचे ये नहीं। और ऑनलाइन का सोचते हैं तो हमारे दिमाग में पहले आता है कि ओएलएक्स। तो मेरे मेरे मुझे भी आज दो बुक बेचना था, तो मैं सोचा ओएलएक्स पे डाल देते हैं। तो मैंने दोनों बुक का फोटो खींचा और ओएलएक्स में अपलोड कर दिया। अब बिलीव नहीं करोगे, 10 मिनट के अंदर में 2-3 नोटिफिकेशन आ गया कि मुझे ख़रीदना है। मैं सोचा ये बुक का इतना डिमांड है बाज़ार में, तो मैं तो खुश हो गया कि बेचेंगे। तो मैंने रिप्लाई दिया तो वो लोग बोल रहे हैं, एक को पहले मैं सोचा एक से डील करते हैं, जिससे बेस्ट प्राइस मिलेगा उसी से डील करेंगे, बाकी को अभी होल्ड पे रखते हैं। तो मैंने एक को नंबर दिया अपना, उन्होंने फ़ोन किया, फ़ोन करके बोल रहे हैं कि मैं आपका जो बुक है कितना प्राइस है। मैं बोला 300 करके डाला हूँ मैंने, तो बोल रहे कुछ कम होगा। मैं बोला नहीं, वही फिक्स है। तो बोला ठीक है। बोल रहे कि आपके दो दो बुक डाला है ना, दोनों चाहिए मुझे, दोनों मिला के कितना लोगे? 600 बोला, तो ठीक है। वो राज़ी हो गया तुरंत, मतलब कोई मोल भाव नहीं, बहुत अच्छी बात है। मतलब उसको चाहिए बुक, तो इसीलिए वो मोल भाव नहीं कर रहा है। तो वो बोला कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दो, मतलब जो फ़ोन पे या पेटीएम यूज़ कर रहे हो वही भेजो। तो मैंने भेज दिया। जब भेज दिया, वो अपने आपको ऐसे इंट्रोड्यूस कर रहा है कि जैसे कोई आर्मी वाला हो या मतलब कुछ हाई ओहदा पे है वो। तो ठीक है, वो अपना ओहदा पे सही है। तो जब वो बोल रहा है कि कोई मशीन है उसके थ्रू वो पे करेगा, तो मैं वो मुझे कोई बारकोड देगा, तो बारकोड के थ्रू पे करना है। तो तब जाके मुझे डाउट लगा, क्योंकि हम बहुत सारे वीडियो में देखते हैं कि फेक वीडियो वो आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं पैसा पे करने के लिए। तो जब वो अपना बारकोड दे रहा है, मुझे डाउट लगा, तो वो अपना बारकोड क्यों दे रहा है? ऐसा कभी भी नहीं होता है कि वो अपना बारकोड उसका बारकोड मैं करूँ और मुझे पैसा आए। तो मुझे लगा कोई हैकर वैकर तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं है। तो मैंने उसको बोला, भाई मुझे डाउट लग रहा है, तुमसे नहीं करना है डील। मैंने काट दिया, तो वो ख़त्म। तो मैंने दूसरा वाला चेक किया, सेम कंडीशन, उसमें भी वो कोई आर्मी वाला है, वो दूसरा आदमी है, पूरा सेम बोल रहा है कि ये है कि आपको मैं बारकोड भेज रहा हूँ, 5 रुपये ऐसे भेज रहा हूँ, तो आप कंफर्म कर लेना कि यही है, लेकिन वो अपना बारकोड दे रहा है। तो मैं सोचा क्यों ना इसको रिकॉर्ड कर लिया जाए, तो आपके साथ शेयर कर सकते हैं कि आप भी बचो, ये सब बहुत धोखाधड़ी होता है। वो क्या पूछेंगे आपको कि मैं आपको 5 रुपये दे रहा हूँ, ठीक है, और उसके बाद पूछेंगे आपका टोटल बैलेंस कितना हुआ। तो 5 रुपये आप जोड़ के उसको तो ऐसे बोल दोगे, सोचो आपके अकाउंट में 10,000 है, तो आपने 10,000 5 रुपये बोल दिया, तो उसको पता चल गया कि 10,000 5 है, तो आपसे कितना लूटना है उसको पता है, वरना वो आपको कम रिक्वेस्ट भेज देता। अगर सोचो आपके अकाउंट में 10,000 है, वो 12,000 का रिक्वेस्ट भेज रहा है, वो तो पेमेंट होगा ही नहीं, इसलिए वो लोग 5 रुपये भेजते हैं। अरे 5 रुपये भेजते नहीं है, ऐसे ही भेज रहे हैं, कभी कभी भेजते भी है, तो भेज के उसके बाद आपका टोटल अमाउंट जान लिया, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेज रहा है कि कितना टोटल है, उसके बाद आपको रिक्वेस्ट भेजेगा। वो हैकर भी है बहुत सारा, अपना अकाउंट के साथ लिंक हो गया कुछ, अगर वो अपना टाई अप कर लिया तो आपका बैलेंस फुर ख़त्म। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, थोड़ा सावधान रहिए, क्योंकि किसी के साथ भी हो सकता है, आज मैं भी कर देता शायद। तो आप लोगों के भलाई के लिए मैं सोचा कि बना देता हूँ वीडियो। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या बात हुआ, क्योंकि मैंने उसका वीडियो पूरा रिकॉर्ड किया, क्या क्या वो बोल रहा था। लास्ट तो भैया 600 ही है दोनों मिला के। 600 कहाँ पे आना देने के लिए? ये हाँ ऑनलाइन हो जाएगा। ओके सर, ऑनलाइन में क्या चलाते हो? क्या फोन पे? फोन पे। ओके सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुनाई है। ओके सर, ये आपका व्हाट्सएप नंबर है ना? हाँ है। ठीक है, व्हाट्सएप पे ऐड डाल रहा हूँ, मेरे को आप लोकेशन और अपना जी पे नंबर डाल दीजिए। ओके। अच्छा, आपको दोनों बुक चाहिए? दूसरा वाला कौन सा बुक चाहिए आपको? वो लड़के ने देखा, निशा देवी के नाम से मैसेज आया ना आपको, उसने देखा मेरा वाइफ ने। लड़के ने देखा ना क्या, वाइफ ने देखा, क्या बोल रहे हो? वाइफ ने देखा है, लड़के ने, दोनों ने देखा है, उसने निशा देवी के नाम से मैसेज आया हुआ आपको। मैसेज किया मुझे आपने? निशा के नाम से आपको कोई मैसेज आया क्या, जिसने नंबर मांगा है आपसे? नहीं 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 आया। आप चेक
प्रिया वीडियो नंबर ऐसा दिखा रहा है कुछ नहीं निशा देवी हाँ निशा देवी हाँ निशा देवी के नाम से होगा सर मेरा वाइफ ने मैसेज किया अच्छा अभी क्या करना है क्या चाह रहे हो आप सर मैं इधर से ऑनलाइन में आपको पेमेंट करता हूँ मैं अपना घर को भेज दूंगा आर्मी का मशीन से आपको पेमेंट करना पड़ेगा सर अच्छा अच्छा ठीक है ओके सर मैं यही नंबर है ठीक है सर मैं पहले आपको फायर स्पीड कंफर्म करा रहा हूँ एक बार अपना बैलेंस चेक कीजिए अपना क्या करूँ सर मैं पहले आपको फायर स्पीड कंफर्म करा रहा हूँ अपना चेक बैलेंस कीजिए आप बैलेंस चेक करो हाँ चेक कर रहा हूँ देखा साला पिछली बार जो आया था यही बोल रहा था म्यूट है बोल रहा हाँ? रिकॉर्ड हो रहा है मुझे पता है ओएलएक्स पे हर जगह पे धोखाधड़ी है भाई बहुत धोखाधड़ी है हाँ भाई नंबर चेक अरे बैलेंस चेक कर लिया बोलो टोटल 595 हो जाएगा 595 वो मेरा टोटल क्यों जानना चाह रहे हो आप जैसे मैं इधर से आपको 15 रुपए डालूंगा टोटल मान चल जाएगा ना कितना हो जाएगा अच्छा हाँ तो भेजो तो आया नहीं भेजे ना 595 ओरिजिनल अमाउंट बताया आपने ओरिजिनल अमाउंट बताया क्या 600 ना अच्छा लोकेशन डाल दो हेलो हाँ डाल रहा हूँ हाँ लोकेशन डाल रहा हूँ एक सेकंड ये आर्मी का कोई फोटो डाल के रखा है आप आर्मी में हो तो उसके बाद तो वीडियो हमने रिकॉर्ड किया नहीं तो वो अपना मशीन का कुछ बता रहा था बोल रहे हैं कि हम मशीन से करते ये है वो है तो मैं वो बोला कि मैं आर्मी वाला हूँ आर्मी का कोड है कुछ तो मैं बोला आर्मी वाले हो कौन सा आर्मी बोल रहे कि CSF कुछ बोल रहा था मैं ऐसे ही बोल दिया कौन सा बटालियन क्या है बोल रहे कि CSF कुछ नहीं बता पा रहे ऐसे बोल देते हैं हवा हवा में तो उसके बाद मैं बोला कि भाई तू एक काम कर वो बोला कि मैं अपना डॉक्यूमेंट भेजता हूँ तो मैं बोला डॉक्यूमेंट से क्या करूँगा किसी का भी तू भेज सकता है मैं भी किसी का भेज सकता हूँ मैं बोला तू एक काम कर वीडियो कॉल कर मुझे वो राजी नहीं हुआ मैं बोला वीडियो कॉल कर उसको थोड़ा दबाव दिया ना वो गुस्सा आ गया गाली देने लगा ये वो मैं बोला आ गया औकात पे ख़त्म यही होता है भाई आपके पास अगर कुछ भी ऐसा कॉल आया ना अब बस उसको बोलो वीडियो कॉल कर नहीं करेगा कभी भी नहीं करेगा पता है वीडियो कॉल में क्या धोखाधड़ी करेगा जब आप बात करोगे फेस टू फेस उसका फेस आ जाएगा सामने तो पुलिस के सामने पकड़ा जाएगा ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिए क्योंकि बहुत लोगों के साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा तो हेल्पफुल हो सकता है और अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू बाय बाय हैव अ नाइस डे